वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। ये हमारा शायद थर्ड या फोर्थ वीडियो है थाईलैंड सीरीज का, एंड इस वाले वीडियो में हम ट्रैवल कर रहे हैं चियांग माई से बैंकॉक इन ओवरनाइट स्लीपर ट्रेन। बहुत कमाल की जर्नी है, काफ़ी लग्जूरियस ट्रेन है और प्राइवेट कैबिन्स हैं इस ट्रेन में। बहुत मज़ा आने वाला है और लगभग 11-12 घंटे की जर्नी होगी। मैं बस में आया था इधर, फर्स्ट क्लास बस में। आपने शायद वीडियो देख लिया होगा एंड आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपके प्यार, आपके सपोर्ट से ही मैं मेहनत और कंटेंट बना पाता हूँ। शूटिंग चली जा रही है, व्लॉग थोड़े डिले हो रहे हैं, रीज़न मैंने इंस्टाग्राम पे बता दिया है। अगर फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लो, आ रहा होगा यूज़र नेम या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ जाके फॉलो कर लो, ठीक है। और मैं हूँ चियांग माई में, मेरा मन था रुकने का लेकिन ड्यू टू फ्यू रीजंस मैं रुक नहीं सकता। दिस सिटी इज़ ब्यूटिफुल भाई, वहाँ पे पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं, अच्छी ठंडा वेदर है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है बैंकॉक या फुकेट जैसी। और सामने ग्रोसरी स्टोर, नीचे अलग अलग ऑर्गेनिक कॉफ़ीज़, ये अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है मुझे गोवा का। चलते हैं स्टेशन चियांग माई और ग्रैब में 100 भात लग रहे हैं, फटाफट बुक करते हैं। सुबह यहाँ आने के लिए 200 भात लग गए, बहुत महंगा मतलब चपत लगा है, अभी कम लग रहा है फटाफट। और ग्रैब में भी ना मतलब ये मीटर रहता है, मतलब डिमांड पे रहता है, डिमांड ज़्यादा होगी तो पैसा बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो पैसा कम हो जाएगा, ओला उबर जैसे कि ग्रैब। ओके थैंक यू। बहुत बढ़िया होटल था गाइज ये, इसका नाम मैं बता दूँ अगर आप चियांग माई आ रहे हो। मैंने कितने दिए, 550 भात दिए 8-9 घंटे के लिए, कासा वेस्पा, ठीक है ना। आ गए चियांग माई रेलवे स्टेशन, बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार, कुछ भूला तो नहीं। यहाँ पे वुमेन ड्राइवर्स आपको भर भर के मिलेंगी, बहुत कमाल का माहौल है। सामने ग्रोसरी स्टोर है, जाके कुछ ले सकते हो, 24/7 खुला रहता है। सो दिस इज द ट्रेन स्टेशन भाई साहब चियांग माई का। टिकट हमारे पास ऑलरेडी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कोई सुपर मार्केट जैसा है स्टेशन के अंदर। सारे चिप्स की क्वालिटी देखो, मतलब सारे चिप्स अलग है, लेज का लिखने का तरीका अलग है और लेज के अलग फ्लेवर मिलेंगे आपको थाईलैंड में, अलग अलग कलर के हैं। प्रिंगल्स भी हैं, इंडिया में मिल जाते हैं प्रिंगल्स। एटीएम मशीन भी है। ये रहा वॉशरूम, यहाँ पे बैठ के खा सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, वेट कर सकते हो, मतलब गोवा का कोई स्टेशन लगेगा आपको डेवलप जैसा। और ये शायद हमारी ट्रेन खड़ी है सामने। तो आपको टिकट कुछ ऐसी मिलेगी थाईलैंड में, फिजिकल टिकट कैरी करनी पड़ेगी आपको और मोबाइल वोबाइल का सीन नहीं है। तो हाँ, दिस इज द किंग ऑफ थाईलैंड, तो ऑफकोर्स आपको इनकी फोटो हर जगह मिलेगी। आइसक्रीम वगैरह भी मिल रही है इधर। हमारा है कोच नंबर 3। स्टेशन अंदर से कुछ ऐसा है, पूरा ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल स्टेशन लगेगा आपको। भाई एंटर करते हैं, सीट है क्या नहीं, एसी वगैरह तो चल रहा है अंदर प्रॉपर। और हमारी सीट कौन सी है देखना पड़ेगा, सीट है 2221। ये है सेकंड क्लास थाईलैंड का। इंटीरियर की तो मुझे तो पर्सनली बहुत एवरेज लगा, देखो सर बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या बीच बीच में दिया है भाई, आदमी चलेगा किधर। हालांकि मेरा मन था उस ट्रेन में ट्रैवल करने का, सामने वाली ट्रेन में। उसके कोचेस नए हैं, मुझे मालूम नहीं था बुकिंग करते वक्त कि भाई ये दे देंगे। अब जो है ये पर्दे वगैरह भी दिए हैं, पता नहीं किस लिए, अभी खुलती कैसे है सीट मुझे नहीं पता, खुलती है ये कैसे भी। अभी बैठने की जगह काफ़ी मतलब बढ़िया है, ये अच्छी लगी, ब्रॉड है, आराम से खुला फैल के बैठो। टेबल वगैरह नीचे दिया हुआ है, पंखे वगैरह हैं। दिस इज द फूड स्टोरेज ट्रे, ठीक है ना, हमारे यहाँ अलग टाइप से होता है। यहाँ पे यहाँ से निकलेगा, लगेज रखना है तो ऊपर रखोगे आप, ये एक चीज है। ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा है हर जगह। तो एक चीज मुझे बोलूंगा कि इतना स्टील 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 लगा दिया ना, बेटर हो सकता है और स्पेस ज्यादा है। तो जैसे हमारे इंडिया में 2 और 4 का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना सेकंड एसी में, यहाँ पे 2-2 का कॉन्फ़िगरेशन है। एंड दिस इज द फर्स्ट क्लास ना भाई इस वाली ट्रेन का। और फर्स्ट क्लास कैबिन के अंदर वॉश बेसिन वगैरह भी है, पिलोज वगैरह दिया है, ब्लैंकेट भी है ऑलरेडी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन लोग करते हैं क्या है थाईलैंड में कि फर्स्ट क्लास का जो कैबिन है ये पहले ही बुक कर लेते हैं बल्क में, जितने भी ट्रैवल एजेंट्स होते हैं ना बल्क में बुकिंग करके मतलब रख लेते हैं, बिके चाहे ना बिके, नॉर्मल पब्लिक गई भाड़ में और जो भी इनके क्लाइंट्स रहेंगे उन्हीं को बेच देंगे, ट्रिपल दाम में बेचेंगे, सस्ते में खरीद के ट्रिपल दाम पे बेचेंगे। तो फर्स्ट क्लास टिकट मिली नहीं और 40-40 दिन तक मिलती नहीं है। अंदर भी एसी वगैरह लगा है पूरे फर्स्ट क्लास कैबिन में। और यहाँ पे पानी की बॉटल्स दो रखी हुई हैं, कोच पुराना है, आई थिंक अटैच्ड बाथरूम भी है, आई थिंक सो, जो भी है पता नहीं। कर्टन्स वगैरह दिए हुए हैं, एसी बढ़िया चल रहा है। डिसीजन लिया है मैंने और मेरी फ्रेंड ने कि हम इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करेंगे, बहुत ही खराब है भाई ये ट्रेन थी, ठीक है ना। इतने पैसे दिए मतलब आप समझो
1600 भाड़ दिए हैं भाई इस ट्रेन के लिए एंड वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। रेस्टोरेंट कार देखो भाई, इसमें एसी भी नहीं है रेस्टोरेंट कार में, तो हम फटाफट जाके अभी इस वाली ट्रेन में सेकेंड क्लास में टिकट लेंगे फटाफट। और इसका डाइनिंग कार पूरा एसी प्रॉपर है, ये बेटर ऑप्शन लग रहा है मुझे। पूरी टिकट वेस्ट हो गई है, मैंने नई टिकट ले ली है, दिखाओ, दो टिकट ले ली है नई, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं था एंड पूरे पैसे भी वेस्ट हो गए मेरे, मतलब 1700-1800 भाग पूरे बर्बाद हो गए। अगर मुझे आपको दिखाना है, जर्नी दिखानी है एक अच्छी, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊं। और ये वेंडिंग मशीन्स भी हैं स्टेशन के अंदर, चाय कॉफी आपको मिल जाएगी इधर। अब हम ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में, इसका भी फर्स्ट क्लास पूरा फुल था। ये चाइनीज ट्रेन है, ये चाइना ने एक्सपोर्ट किया इसको थाईलैंड को, इसका इंजन से लेके कोचेस तक। तो इन लोग यही ग्रुप बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है, ग्रुप बुकिंग करके भाई साहब पूरी सीट अकेले ही खा लेते हैं। तो ये है हमारी कार नंबर 9, इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड दिस इज एक्चुअली द लग्जरी ट्रेन इन थाईलैंड, ठीक है ना। एंटर करते हैं, जो हुआ उसको भूल जाते हैं और फाइनली इस ट्रेन में एंटर करते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, ये देखो, टच करोगे ये खुलेगा, ये टच करोगे ये खुलेगा, और ये देखो यही तो मेन चीज़ है, दिस इज द प्रॉपर डाइनिंग कार। फाइनली भाई ट्रेन के अंदर आ गए हैं, ये है ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था और दिस इज द लग्जरी। मुझे एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मैंने यही ट्रेन में टिकट ली है। तो भाई ये सीट्स देखो रेड कलर की हैं, काफी कंफर्टेबल हैं। तो वो ट्रेन में देखा हमने कैसे वो लेदर की सीट थी, उस पर नींद भी नहीं आती, बैठ भी नहीं सकते। और लगभग कल हम पहुंचेंगे शाम को 6:30-7 बजे, 2-2 का कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हाँ 2-2 सीट का कॉन्फ़िगरेशन है सेकंड एसी में। पानी ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है। इसका ट्रे टेबल देखो कितना बढ़िया है, यहाँ पे चाय कॉफी रख के आराम से एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे सॉकेट्स वगैरह दिए हैं, ये रीडिंग लैंप्स हैं और यहाँ पे कुछ आप चाहो तो पानी या कुछ रख सकते हो चाहो तो। तो ये जो सीट्स है ना ये खुल जाती हैं, ठीक है, यहाँ से खुलेंगी। जब रात में सोने का टाइम आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सीट्स कैसे खुलती हैं। मेरी सीट है ये और इसकी सीट है ये। यहाँ पे कर्टन्स वगैरह भी हैं, कर्टन्स वगैरह को आप यहाँ पे लगा सकते हो। भाई बहुत बढ़िया कोच है, मतलब लिटरली अपग्रेड करना तो वर्थ है, बट एनीवे नॉनदलेस फाइनली हम इसमें ट्रैवल करेंगे। ऑल्सो ये थाईलैंड ट्रिप जो था पूरा ऑर्गेनाइज किया था जॉली हॉलीडेज ने, ठीक है भाई, काफी बजट टूर्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब मलेशिया जाना हो उसका भी टूर प्रोवाइड करते हैं। 15,000 फॉर बैचलर्स, 20,000 फॉर फैमिली पर पर्सन, 5 दिन का ट्रिप एक्सक्लूडिंग फ्लाइट्स आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। तो बजट के साथ साथ लग्जरी भी देंगे और प्रॉपर कंफर्टेबली आप थाईलैंड घूम लोगे या मलेशिया घूम लोगे। इनके थ्रू बुकिंग करा सकते हो, डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, कॉल कर लो चाहे या वेबसाइट से कर लो। सबसे बेस्ट चीज बाहर निकलोगे यहाँ पे 2-2 वॉश बेसिन दिए हैं। वॉशरूम कैसा है देखो, यहाँ लिखा हुआ है वेकेंट, इसको लॉक करोगे तभी लाइट जलेगी एंड दिस इज द वॉशरूम ऑफ द ट्रेन। काफी बढ़िया वॉशरूम है, इसको टच करोगे तो फ्लश हो जाएगा। इंडिया में भी आपको ये चीज मिलेगी और यहाँ पे हैंड जेट भी है और यहाँ पे भी वॉश बेसिन है, सोप डिस्पेंसर है और ये है रूम फ्रेशनर। दिस इज द ट्रेन, दिस इज द ओवरऑल वॉशरूम। हालांकि एक चीज बोलूंगा कि पटरियां हैं थाईलैंड में छोटी हैं काफी और इंडिया के कंपैरिजन में। सो दिस इज द मेन्यू, ठीक है ना, 190 भात प्रॉपर भाई। खाना पीना मिलेगा आपको ट्रेन के अंदर, जो बोलोगे वो मिलेगा। इसके अलावा ये स्नैक्स हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह 150 भात के और स्प्रिंग रोल, फ्रूट्स, गजब है। यहाँ पे टी कॉफी मिलेगी आपको और देखो ट्रेन के अंदर ही मतलब चिप्स वगैरह रखे हुए हैं, खरीदने के लिए खरीदने पड़ेंगे आपको, फ्री में नहीं है। टूथपेस्ट वगैरह भी दिया है अगर आप कैरी नहीं कर रहे हो अपने साथ, यहाँ पे फोन चार्ज कर सकते हो। और ये कॉफी बहुत बढ़िया है, कॉफी मैट, और ये चिली फ्लेक्स वगैरह हैं, सॉसेस वगैरह हैं, चिली सॉस है, ये ले सकते हो मतलब खाने के साथ साथ। दिस सो गुड भाई, मतलब कितना कमाल का है। जो रात में यहाँ पे खाना खाते हुए आराम से बाहर के व्यू एंजॉय करो, मतलब सीरियसली अलग ही मजा आएगा। आई थिंक वर्थ था भाई, मतलब कभी भी थाईलैंड आ रहे हो, ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो और अगर आपको नई ट्रेन चाहिए उनको पहले ही बोल देना न्यू ट्रेन। मैंने सिर्फ सेकंड क्लास बोला था, फर्स्ट क्लास तो खैर था ही नहीं, मतलब आपको पता है मैं वही लेता। वो मैंने सेकंड क्लास बोला, सेकंड क्लास में उन्होंने उठा के मुझे ये दे दिया, पूछा भी नहीं कि आपको नई ट्रेन चाहिए पुरानी ट्रेन चाहिए। हालांकि मेरी गलती भी थी, मेरे को खुद ही बोलना चाहिए था न्यू ट्रेन। थाईलैंड में सेकंड क्लास में भी अगर आप टिकट ले रहे हो आप बोल देना यू वॉन्ट न्यू ट्रेन। यहाँ बैठ के चाय कॉफी पियो, खाना पीना खाओ व्यू के साथ, और क्या चाहिए, मतलब मजा आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरा भी है हर जगह और ये क्रू चलते हैं साथ में, मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के। और देखो यहाँ पे भी बैठ के आप एंजॉय कर सकते हो। और एक ये क्रू है जो रेड कलर की यूनिफॉर्म में है जो सर्व करेंगे। जैसे अगर आप सिर्फ चिकन खाते हो ना, बता रही है ये तो तेरिया की चिकन का थाई जैस्मिन राइस, क्लियर सूप, पूरा मील है 190 भात का, जो कि रेट ठीक है क्यों भाई ट्रेन में दे रहे हैं प्रॉपर। और देखो ये फ्लावर वगैरह है, इन्होंने सोया सॉस रखी है, जितनी सॉसेस
दाल नहीं चाहो डाल सकते हो, इट इज लिटरली गुड। जैसे हमारे यहाँ पैंट्री कार होता है ना, इनका पैंट्री कार भाई सुपर लग्जरी है। इसके अंदर है किचन पूरा, ये है अंदर पूरी पैंट्री जहाँ पे आप देख नहीं सकते, पूरा ढका हुआ है। और आगे जो है, आगे आई थिंक थर्ड क्लास कोचेज हैं या सेकंड क्लास ही होगा, नॉट श्योर। बहुत बढ़िया है भाई, मतलब लिटरली वेरी इंप्रेस्ड। कॉफी सर्व हुई है, गजब की कॉफी लग रही है, सारी नींद खुलने वाली है। इसको नींद चढ़ी हुई है, मैंने तभी इसके लिए कॉफी मंगवाई। और ये देखो साथ में ना ये मिलता है। तो जैसे थाईलैंड में आपको नॉर्मली ब्लैक कॉफी मिलेगी, इसको आप थोड़ी मिल्की कर सकते हो, ये डालोगे तो थोड़ी मिल्की हो जाएगी। कितने तरीके से ब्लेंडेड कॉफी है, साथ में शुगर भी है और मिक्स करने के लिए ये दिया है। तो हाँ, तो ये मिल्क पाउडर आप कह सकते हो। कॉफी पी रहे हैं भाई, बहुत ही तरीके से ब्लेंडेड है, एक नंबर। ना नींद खुल जाएगी आपकी, मतलब अगर मुझे वीडियो एडिट करनी हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ बैठ के। सॉकेट्स वगैरह भी हैं, वो होता है ना कि मैंने एक्सपेक्ट यही किया था, फिर मुझे गंदी ट्रेन मिल गई, फिर मैं वापस यहाँ पे आ गया। तो हाँ, मिक्स्ड इमोशंस हैं। कॉफ़ी इतनी स्ट्रांग है, मज़ा आ गया पी के, नींद ही खुल गई, लगता है दो दिन नहीं सो पाऊँगा अब तो। ये चिप्स लेकर आई है, गार्लिक ब्रेड फ्लेवर। फ्लेवर तो आप पूछो ही नहीं, मतलब अतरंगी फ्लेवर्स मिलेंगे आपको थाईलैंड में। वी डिपार्टेड, ठीक है, फ्रॉम चियांग माई। और ये डोर्स ऑटोमेटिक है, पूरी ट्रेन एसी है, तो उतरने का कोई सेंस नहीं है, अपना बंद हो जाते हैं गेट। मजा आने वाली है। और मैं अभी डाइनिंग कार में हूँ, टिकट संभाल के रखना, घूमी तो घूमी, क्योंकि टीटी हो सकता है बार बार पूछेगा आपसे। चियांग माई से निकल गए हैं, कॉफी चल रही है और नज़ारे और बारिश, क्या चाहिए भाई साहब। दिस इज लाइक द बेस्ट फीलिंग यू कैन एवर गेट। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्पीड इसकी 120 तक होनी चाहिए, इन स्टॉप्स तो होंगे फॉर श्योर। ऊपर खाना लग रहा है, मतलब जिन्होंने भी ऑर्डर दिया होगा, और देने का तरीका कितना बढ़िया है, मतलब ऊपर रैपिंग करते हैं प्रॉपर ताकि खाना फ्रेश रहे। फ्रेंच फ्राइज की क्वांटिटी देखो जबरदस्त है, फ्रेंच फ्राइज होगा लगभग 250-300 रुपए का INR में। इन्होंने भी ऑर्डर किया, उनका खाना भी जा रहा है, सीट्स पे चला जाएगा डायरेक्टली, ऑल 150 ना। और कोई लोग यहाँ बैठ के भी खा सकते हैं, तो हम तो यहीं खाएंगे रात में एनीवे। तो ये कोई स्टेशन आया है, नॉट श्योर इसका नाम क्या है। जितना भी खाना पीना है लोगों की सीट्स पे जा रहा है, जिन्होंने पहले ऑर्डर कर दिया होगा। चाहो तो यहाँ पे भी खाओ, लेकिन हाँ यहीं खाना ठीक है, बाहर सीट पे खाओगे मतलब नहीं है। और बाहर नज़ारे चल रहे हैं, एक नंबर भाई, तरीके वाली ग्रीनरी है। तो अभी हम रेस्टोरेंट कार पे आए हैं। अरे भाई चिकन बिरयानी भी है, इंडियन डिश है ये चिकन बिरयानी। और अभी हम मंगवाएंगे जैस्मिन राइस, तरियाकी चिकन, क्लियर सूप। देखो पूरी मील है गाइस, मतलब सूप भी है, पानी भी आएगा साथ में, यही मंगवाते हैं। और मेरे को पूछना है कि स्प्रिंग रोल में क्या है, चिकन है, वेज है, क्या है, वो देखना पड़ेगा। कॉफी का रेट था 150 भात, मतलब दो कॉफी ली 150 भात की दो कॉफी, 75 भात ईच। लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा। व्हाट डू गिव द ऑर्डर एक्चुअली? ये पानी की बोतल हमारे मील में इंक्लूडेड है, 190 भात में, और हमारे पास पानी ऑलरेडी है, तो हम इसको ले जाएंगे अपनी सीट पे। खाना देखते हैं भाई कैसा आएगा, भूख भी लग रही है। हमारा खाना आ चुका है, तो भाई देखते हैं देख करके क्या है। और ये अंदर ही बना है पूरा प्रॉपर, तो बहुत ही फ्रेश है। तो ये हमारी मील आ चुकी है, देखो क्या क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये है पाइनएप्पल, ये है टेरियाकी चिकन, साथ में इन्होंने सैलेड भी दिया है। और बिलीव मी ये खाना पूरा ट्रेन में है, ट्रेन में इतना अच्छा खाना वैसे यूजली मिलता नहीं है। और ये कोई सूप दिया हुआ है, इसमें भी वेजिटेबल्स हैं सारे। और ये टेरियाकी चिकन ऐसा बोला मैंने, ये स्प्रिंग रोल है, ये वेज स्प्रिंग रोल है, हाँ सॉस के साथ खाना है। और सॉस आप जितनी चाहो वहाँ से ले सकते हो, मैं आपको दिखा चुका हूँ। स्पून है, खोलना, सॉसेस वगैरह में ले आया, जितनी चाहो ले सकते हो। ये टेस्ट करके बताएगी चिकन कैसा है। पहले मैं ट्राई करता हूँ ये पाइनएप्पल, और ये सीजनल फ्रूट है, तो मतलब जो भी सीजन रहेगा उस हिसाब से देंगे। और पाइनएप्पल अभी भाई बहुत टेस्टी लग रहा है, पाइनएप्पल बहुत ही फ्रेश है एंड रियली गुड। तो ट्राई करते हैं स्प्रिंग रोल,
ट्राई करते हैं कैसा है। बता दिया था उन्होंने कि इसमें नो मीट, मीट नहीं है। प्रोसेसिंग इसके अंदर नूडल्स हैं, छोटे नूडल्स हैं, मीट नहीं है। स्प्रिंग रोल वैसा नहीं जैसे हमारे इंडिया में मिलता है, ये अलग ही है। मतलब तो इसके अंदर छोटे छोटे नूडल्स हैं। तो ये सूप है, ट्राई करता हूँ एक थोड़ा सा पी के देखता हूँ कैसा है। बहुत बढ़िया गाइस, सूप इज 10/10 स्ट्रेट, इट्स लिटरली वेरी गुड, लव्ड इट भाई, लव्ड इट। और ये मील में इंक्लूडेड है, बहुत बढ़िया है। चिकन आ गया इसमें मुझे मालूम नहीं था भाई साहब, जो भी है मैं सिर्फ हाँ सूप सूप पी लेता हूँ और क्या। चिकन कैसा दिखाना ज़रा एक बार टेस्ट करो, अच्छे से टूट रहा है, ठीक टूट रहा है, ट्राई करो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है। अरे अच्छा दिख रहा है, खाओ खाओ खाओ। कैसा है? डिफरेंट है। सॉसेस कैसी हैं? जैसे आपको लग रहा होगा ना तेरियाकी इंडियन स्टाइल वाला डिफरेंट है। जैसे हमारे हमारे माइंड में जो मतलब खाना देख के एक टेस्ट का एक एक्सपेक्टेशन आता है ना, थाईलैंड में या फिर बाकी कंट्रीज में आपको बिल्कुल ही अलग टेस्ट आएगा। ये चीज़ मैंने देख ली है, चिप्स में भी देख ली मैंने ये चीज़, कि हमारा माइंड अलग टाइप से प्रोसेस रहता है। तो ये तेरियाकी चिकन के साथ राइस कॉम्बिनेशन तो मतलब टॉप क्लास का है। कितना रेट करोगी इसको तेरियाकी चिकन को? 6.5। और एक चीज बताता हूँ, जैसे हमको ना टेस्ट का एक्सपेक्टेशन हो जाता है तो हमको शुरू शुरू में हो सकता है कि अच्छा ना लगे, खत्म करती है। हाँ शुरू शुरू में हुआ था। और राइस बहुत अच्छे हैं, स्टिकी राइस हैं, और ये एग भी दिया है, एक सूप भी बढ़िया है। लेकिन शुरू शुरू में खाया, इसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए रेटिंग दी थी 6.5। अब इसको अच्छा लगने लगा है, देखो खा भी रही है और रेटिंग बढ़ा के कितनी बोली 7.5। गाइस अब आप समझे कि मैं कितना प्रोफेशनल फूड रिव्यूअर हूँ। हाँ इंडिया में जो हम तेरियाकी खाते हैं ना उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारा बेड लग चुका है, ठीक है भाई साहब, एक नंबर लग रहा है। और आई थिंक ये ब्लैंकेट उन लोग खुद बिछा के जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ओढ़ने के लिए एक शीट, ब्लैंकेट शीट दी है, ओढ़ने के लिए भी दी है और बिछा के भी चले गए। तो सिन चाय हुआ, और इसको ना आप ऐसे देखो, इसको बंद भी कर सकते हो, इसको ऐसे खोल सकते हो। बहुत ज़बरदस्त सीट्स हैं, पर मिली हैं मुझे भी और इसे भी। तो यहाँ पे ना इन्होंने कुशन जैसा कुछ दिया हुआ है, तो आपको मतलब सोते सोते लगेगा नहीं, आप कम्फर्टेबली सो सकते हो। सीट की विड्थ बहुत बढ़िया है और सीट्स कॉटन की सीट्स हैं, कम्फर्टेबली सो सकते हो। इन लोग पहले से ही बिछा के गए हैं, मतलब ये ब्लैंकेट सोने के लिए, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और ये देखो ये हमको ओढ़ के सोना है, काफ़ी बढ़िया लगा यार। गाइस कुछ सामने हैंगर भी है, कुछ टांगना आंगना हो तो टांग भी सकते हो। यहाँ पे पानी की बॉटल रख सकते हो, ये रीडिंग लैंप्स भी दिए हैं और चार्जिंग सॉकेट्स भी हैं, तो फोन की बैटरी खत्म नहीं होगी। पिलो की क्वालिटी देखो, टॉप नॉच क्वालिटी है, हालांकि थोड़ा फटा हुआ है बट क्वालिटी एक नंबर है। और बेस्ट पार्ट मुझे लगा ये सबसे बेस्ट पार्ट है, सॉकेट भी है, ये जो अपना इजीली जाएगा, फोन हो जाएगा चार्ज। यहाँ पे आप रख सकते हो फोन, चार्जर यूज करने के बाद यहीं डाल दो। तो ऐसा कुछ लगता है जब आप पर्दे लगा देते हो। एक चीज बोलूंगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 2x2 का है ना, तो जगह बहुत ज्यादा है कोच के अंदर। ये देखो भाई फैल के सो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होती, जगह बहुत ज्यादा है। गाइस टिकट संभाल के रखना, अभी रात में आए थे चेक करने, मतलब जस्ट अभी आए चेक करने। और ये किसी को आप बेच नहीं सकते या किसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका नाम लिखा रहता है। भाई जबरदस्त स्पेस है, कुल भी कंजस्टेड नहीं लगेगा आपको ट्रेन के अंदर। तो वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक ठाक सोया, सुबह के 5 बज रहे हैं और अब कॉफी पियेंगे। 9 बजे मैंने लास्ट व्लॉग किया था रात में, और अभी उठा हूँ 5 बजे। बीच बीच में उठा, मैं गेम खेला, लेकिन इतनी शांति थी कोच में। ट्रेन में ना लाइट बंद नहीं होती रात भर बंद नहीं होती, देखो इंडिया से कितना डिफरेंट है, ये लाइट जलती रहेगी रात भर। तो हाँ इस बाथरूम सुबह भी काफ़ी ज़्यादा साफ है, अभी मतलब साफ सफाई चल रही थी मेरे आने से पहले, ये एक अच्छी चीज़ है। रात में ट्रेन के स्टॉप्स भी थे, अच्छे खासे स्टॉप्स थे, अंधेरा था पूरा, रुके काफ़ी स्टेशन रुके हैं। अभी सुबह कोई आएगा तो मैं जाऊंगा बाहर, बट ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम है, मतलब जो मुझे लगा बहुत कम है, 12 घंटे में 670 किलोमीटर, तो मतलब बहुत स्लो हुआ। ये कोई स्टेशन आया है, सुबह अभी 5 बजे हैं, यहाँ पे स्टॉप शायद 10-20 मिनट का होगा, नहीं है स्टॉप।
भाई ये मैन्युअली होता है आई थिंक, हर ट्रेन में जो गार्ड रहते हैं वो उसको बंद करते हैं, चीज़ें डिफरेंट है थोड़ी सी। तो डाइनिंग कार एग्जैक्टली 5 o'clock सुबह खुल जाता है, ठीक है ना, 5 मतलब 5 जी। मैंने देखी है थाईलैंड में सुबह मतलब 6 बजे आपको सब कुछ खुला मिल जाएगा, एवरी सुपर मार्केट एवरी शॉप, खासकर कैफेज तो खुली जाएंगे, मतलब मैक्स से मैक्स। जल्दी उठता है थाईलैंड, मतलब थाईलैंड की जो शुरुआत होती है इकोनॉमी की वो जल्दी हो जाती है सुबह 5-6 बजे, और रात जल्दी हो जाती है भाई 9-10। बाकी जो नाइट लाइफ है वो डिफरेंट है। ठीक, कॉफी आ गई हमारी गजब की अमेरिकानो। तो जो आज का दिन है वो काफी लंबा है, बहुत काम है, बहुत सारी एडिटिंग करनी है, बहुत सारे ब्लॉग शूट करने हैं। सनराइज होने लग रहा है, और अभी ना यहाँ पे ट्रे पे जैसे आपने देखा कि पूरा इन लोग कॉफी वगैरह रखे हुए थे, और ब्रेकफास्ट मेन्यू और ब्रेकफास्ट भी इन लोग सब साथ में ही ले गए। तो आई थिंक गाइस ये वही ट्रेन है जिसको हमने छोड़ दिया था, आई थिंक सो, नॉट श्योर, चलते चलते ओवरटेक कर दिया इसको, पता नहीं, नॉट श्योर, हो सकता है कि दूसरा ट्रैक हो बगल में, उसका रूट डिफरेंट हो। एनीवे पी लिए, ये नहीं पी रही क्योंकि शायद हम सुबह सुबह भी कोई कैफे वैफे जाके काम करेंगे, मतलब मुझे अपनी एडिटिंग करनी है, फिर ये चेक इन करेंगे होटल, बिकॉज चेक इन जल्दी मिलेगा नहीं होटल में। तो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस। 18 किलोमीटर बचा है मतलब बैंकॉक, और एयरपोर्ट पास में ही है, वे अभी देखा मैंने प्लेन लैंड करते हुए, एयरपोर्ट पास में ही है, अब चलते हैं। अभी डाइनिंग का शायद बंद हो जाएगा, पर भाई वॉर्ड एक्सपीरियंस यार, सीरियसली, वो देखो स्काई स्क्रेपर्स दिख रहे होंगे आपको दूर से। This is एयरपोर्ट डॉन व्यूएंग इंटरनेशनल, यहाँ से एयर एशिया की फ्लाइट जाती हैं, थाई एयरवेज वगैरह जाती हैं अपना स्वर्ण भूमि से। आ गए वापस सीट पे, ये स्टेशन कोई एयरपोर्ट वाला स्टेशन है। फाइनली आ गए हम मेन टर्मिनल बैंकॉक के, भाई गैप बहुत ज्यादा है। फाइनली आ गए भाई साहब बैंकॉक इस ट्रेन में, क्या जर्नी थी। 6:50 का टाइम था लेकिन 7 बजे आए हैं, 10 मिनट लेट आए हैं। स्टेशन नया है बैंकॉक का, ये नया टर्मिनल बना है, ट्रेन यहीं से आजकल ऑपरेट करती हैं। ये टर्मिनल बहुत ज्यादा डेवलप है अंदर से, मतलब बहुत आपको लगेगा कि आप एयरपोर्ट में हो, और बाहर से आपको बस मिल जाएगी सीधा। तो जर्नी काफी बढ़िया रही, मतलब हालांकि ट्रेन काफी स्लो है, 12 घंटे में लगभग 650 किलोमीटर स्लो है ट्रेन, बट कम्फर्टेबल है, लग्जरी बहुत ज्यादा है। डाइनिंग कार सबसे बेस्ट चीज लगी मुझे इस ट्रेन में, और अभी कुछ सालों में 2-3 सालों में बैंकॉक से बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है, तो हाँ वो भी एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होगा। 2027 में पक्का हो जाएगी रेडी, और वो इंटरनेशनल रहेगी बुलेट ट्रेन। बाहर से ऐसा कुछ दिखता है ये टर्मिनल, ट्रेन टर्मिनल, और नया बना है। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत एफर्ट लगे हैं, बहुत मेहनत लगी है, एज यूजुअल आपके एक लाइक आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत एक जज्बा मिलेगा मेहनत करने का आप लोगों के लिए। हर बार मिलता है, हर बार आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब तो करते ही हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, जो कि बहुत बढ़िया होगा, बहुत यूनिक वीडियो है नेक्स्ट।